रेड टमाटर तो मुझे मिले ही नहीं, ये देखिए कितने येलो येलो टमाटर और वाइट टमाटर का पेस्ट किस कलर का बना है। तो ये चार टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये लड़की हमारे घर रोज़ा नहीं रखती और सारा दिन ये ग्लास में पानी पीती रहती है हमें जलाने की खातिर ठंडा ठंडा, और मोबाइल देखती रहती है। क्या करती रहती हूँ सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो आज लास्ट रोज़ा है तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रमज़ान कम्प्लीट हुआ, सबका ही अच्छा हुआ होगा, मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा है। और जितनी इबादत जितने रोज़े हमने रखे अल्लाह ताला इसको कबूल करे अपनी बारगाह में और जो है वो हमें अगला साल भी नसीब करे कि हम इसी तरह रोज़े रख सकें और सेहत तंदुरुस्ती के साथ। तो आज लास्ट रोज़ा था तो इसीलिए कुछ इफ्तारी के लिए नहीं बनाया, डायरेक्ट मैंने कहा मैं खाना पकाऊंगी। आपको मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि मुझे जितना अच्छा खाना खाना लगता है तो ये पकौड़े समोसे रोल ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बस किचन की तरफ चलते हैं। आज बनाने लगी हूँ मैं बोनलेस चिकन कढ़ाई, जो जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ। तो ये मैंने ली है 1/2 kg बोनलेस चिकन और ये टमाटर है। टमाटर जो थे आज मिल नहीं रहे थे तो रेड टमाटर तो मुझे मिले ही नहीं, ये देखिए कितने येलो येलो टमाटर और वाइट टमाटर का पेस्ट किस कलर का बना है। तो ये चार टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। हरा धनिया कंपलसरी है, आप लास्ट में ज़रूर डालेंगे क्योंकि इससे जो है वो कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये मसाला कढ़ाई है, ये सिंपल सादी कढ़ाई नहीं है। तो इसमें मैंने जो मसाले ऐड किए हैं उसमें पिसी हुई लाल मिर्च है, सूखा धनिया है क्रश किया हुआ, हल्दी है 1/4 teaspoon और गरम मसाला पाउडर है 1/2 teaspoon, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, अब आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ। मैंने कढ़ाई में बनानी है तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। अब इसमें मैं अब्दुल जुबान थोड़ा सा साइड में उल्टे ताकि चिकन उड़े नहीं आपके। ऑयल में पहले अच्छे से भूनना है, ठीक है, सिर्फ चिकन को, ना इसमें नमक मैंने ऐड किया है ना इसमें मैंने कोई मसाले ऐड किए हैं। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही भून रही हूँ। थोड़ा मैंने टेस्ट कर लिया और इसमें मैं इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें सामान ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। और साथ ही मैं थोड़ा सा मुझे भूनना पड़ेगा क्योंकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म कर दीजिए। चिकन को जब हम बॉयल में डालते हैं कितना शोर लग जाता है ना, पागल हो जाती है चिकन। इसका कलर कितना प्यारा है। अब इसका कढ़ाई को दिखाओ, इसका कलर दिखाओ। ठीक है, अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं टमाटर का पेस्ट और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए। ठीक है, ये लड़की हमारे घर रोज़ा नहीं रखती और सारा दिन ये ग्लास में पानी पीती रहती है हमें जलाने की खातिर ठंडा ठंडा, और मोबाइल देखती रहती है। क्या करती रहती हूँ सारा दिन। हाँ, और रोज़ा नहीं रखती ना, कब रखोगी। और रात को ना मेरी बच्ची को पिद आ गई, पता नहीं कहाँ से मेरी बच्ची को पिद निकल आई, हालांकि इसे कभी भी ज़िंदगी में कमर में या कहीं भी पिद नहीं निकली। तो बेचारी बड़ी परेशान थी, इसीलिए इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा ड्रेस पहना और ये सो गई। हालांकि मैंने एसी ऑन किया हुआ था हल्का हल्का, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि मैं 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाती, ये अब्दुल सुबहान को छींके स्टार्ट हो जाती है। पर इस बच्ची को पता नहीं कहाँ से पिद निकल आई। अभी भी है शिजा, खारिश हो रही थी, क्या हो रहा था रात को।
कितनी खारिश, बहुत ज़्यादा ना। फिर इसको मैंने रिजेक्ट्स दी तो कहीं जाकर इसको आराम आया। अभी ठीक हो ना? ठीक हो? ओके। ये देखें भाई, कढ़ाई हो गई है तैयार, ये भुन गया। अब इस अब ये इतना जैसे भुनाई में आ जाए ना, इसके बाद आपने इसमें ये हरा धनिया ऐड कर देना, ठीक है? और आपकी कढ़ाई तैयार। कैसी लग रही है सुभान? बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। अभी तक तो चखी नहीं है। और ठीक है, ये थी मेरी कढ़ाई की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आप भी अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कल ईद का पहला दिन है तो कल बना लें, परसों बना लें, बहुत सारे डेज हैं आपके पास। हम तो आज खाएंगे इफ्तार में। अच्छा, कढ़ाई तो तैयार हो गई, अब साथ ही मैं अब बनाने जा रही हूँ रसमलाई। और ये पैकेट वाली रसमलाई है हैप्पी होम की, ये लजीज़ा की, कोई भी ले लें, सब अच्छी बन जाती हैं। और बस मैं रसमलाई तैयार करती हूँ। रसमलाई के लिए मैंने 3 छोटे पैकेट जो है वो दूध ले लिया है। अब उसमें मैं 1, 2, 3 और ये 4, ये मैंने इसमें चीनी के ऐड कर दिए। ये 4 चम्मच बहुत होंगे। अब इसको जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं रसमलाई के बॉल्स तैयार करूँगी। रसमलाई बनाने के लिए मैंने ये रसमलाई का पैकेट, और इसमें मैंने आधा अंडा ले लिया था, हाफ अंडा, उसको फेंट के मैंने शामिल किया, और ये पैकेट मैंने शामिल किया, और 2 चम्मच मैंने ऑयल इसमें शामिल किए। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बॉल बना के दूध में ऐड करेंगे। ये दूध को बॉयल आ गया है और ये देखिए मैंने ये बॉल्स तैयार कर लिए हैं। इसको पेड़े की शेप में दे के फिर ऊपर से ऐसे प्रेस कर देना है, और मैं इसे 1 by 1 ऐड कर रही हूँ। इसी तरह हम सारे बॉल्स ऐड कर देंगे, सारे बॉल्स। ये अब खुद ही फूलते जाएंगे, पकते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे, फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। और ये रसमलाई भी रेडी हो गई, और ये है हमारी चिकन कढ़ाई, ये भी रेडी हो गई। अच्छा, कढ़ाई को मैंने नहीं डिश आउट किया क्योंकि मुझे गर्म करने में मुश्किल हो जाएगी। बस मैं इसी में गर्म करके और इसी को मैं दस्तरखान पर शायद ले जाऊं। तो आज की आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की हमारी इफ्तारी जस्ट यही है, और साथ में मैं शरबत बनाऊँगी और तरबूज काटूँगी और हम इफ्तारी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे 30 रोज़े कंप्लीट हो गए।